मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गौराचक्की नवचोलिया गांव के रहने वाले कुछ लोगों के साथ दबंगों ने जमकर की मारपीट। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गौराचक्की नवचोलिया गांव के रहने वाली गुंजन देवी के साथ साथ उनकी सास और देवर के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें गुंजन देवी का जहां सर फूटा वहीं सास को भी धारदार हथियार से हाथ पर मारकर घायल कर दिया गया और देवर के साथ भी दबंगों के द्वारा मारपीट की गई। देर शाम जब गुंजन देवी अपने घर में थी तभी गांव के ही अमरजीत यादव, कैलाश यादव, भगवान यादव, मुकेश यादव, मितो यादव पीड़िता जमीन पर मछली बनाकर शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध पीड़िता के द्वारा किया गया, जिसके बाद नशे में चूर दबंगों के द्वारा महिला और परिवार वालों की जमकर पिटाई की गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़िता गुहार लगाने मधुसूदनपुर थाना पहुंची तब वहां उसकी गुहार नहीं सुनी गई और उसे थाने से भगा दिया गया, जिसके बाद महिला कोतवाली महिला थाने पहुंची लेकिन देर रात तक यहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। यहां से भी उसे मधुसूदनपुर थाने से रिपोर्ट लिखवा कर लाने की बात कही गई। बिहार के डीजीपी जहां पुलिस फ्रेंडली होने को लेकर लगातार कवायद करने की बात कहते हैं, वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक को फरियादियों के साथ बेहतर व्यवहार और कार्रवाई का निर्देश लगातार जारी किया जाता हो, उसके बावजूद भी घायल पीड़ितों थाने का चक्कर लगा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि भागलपुर पुलिस कितनी पीपल फ्रेंडली है। गौराज की नपलिया घर है। हाँ, कौन था ना? मसूदनपुर। क्या हुआ? तो जमीन पर दारू सब ने पी रहा है मिलकर, अमरजीत यादव ने और कैलाश यादव ने, भगवत यादव ने और मित्र यादव ने, मुकेश यादव ने, उस पर हम सब ने दारू पी कर हाँ ही मेरे जमीन पर करने लगा। तो हम बोले कि उधर जाकर हंसो, यहाँ का ये हंस बोल रहा है, हम अकेली हैं तो तुम सब हंस रहा है। इतने में हमको में भीड़ गया, भीड़ कर गले के सोना ठन्नी भर चकती छीन लिया, कून के बाली छीन लिया, मरने लगा। मेरा सास दौड़ा, सासों को धक्का मुक्का लगा कर कैलाश यादव ने कोदार चला दिया हाथ में और अमरजीत यादव ने मेरे सिर पर पत्थर बिग दिया, तुम रंडी यहाँ से घर से भागो नहीं तो तुमको गोली मार देंगी। सब बापूत ने घेर लिया सर, हम अकेले हैं, हमको गोतिया ले आना है, हम गरीब आदमी खाने कमाने वाला है। पुलिस के पास गए थाना तो क्या हुआ? थाना बोला कि एक ही आदमी को आवेदन लेंगे, एक ही आदमी को जांच करेंगे, दो आदमी को नहीं करेंगे। तो कहाँ आए हुए हैं अभी आप? यहाँ सुना कोई? यहाँ बोला कि वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट सब कुछ, तब हम केस लेंगे, यहाँ मेरा आदेश नहीं केस लेने को, अभी कॉल करेंगे केस। यही बोल रहा है, भटक रहे हैं? हाँ भटक रहे हैं बाबू, छोटा छोटा बच्चा मेरा घर में रो रहा है, कोई घर में नहीं, हम गोतिया ले कोई नहीं, अकेले हैं हम। कई आदमी को मारा? दो आदमी को, मेरा सास और हमको और मेरा बेटा, अकेले घर में मेरे साथ में, सब जीव को ईटा पत्थर से चूर दिया। पहले भीतर बुआ से जमीन से कहा कि जाओ उधर दारू तारी पीबिए, मेरे जमीन में नहीं पिए, हम अकेले हैं, मेरे पति यहाँ न है, बाजार गए कमाने के लिए, दारू पीने के लिए मारा? नहीं, वो सब ने दारू पीता है, पलाटर है, पलाटिंग करता है, सब ने मिल चार चक्का लगा को दारू तारी पीता है मेरे जमीन। पुलिस ने सुनी कुछ? नहीं, दारू तारी गुंजा।